Hey guys, once again welcome back to my channel. So आज मैं जा रही हूँ ईद मनाने, यानी कि एक मुस्लिम के लिए मुझे फर्स्ट टाइम इन्वाइट किया है और मैं ईद के दिन कभी भी किसी के घर नहीं गई हूँ. सो आज के दिन मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि मैं किसी के घर पर जाने वाली हूँ ईद पे. और मुझे पता नहीं कि ईद का दिन कैसा होता है, यानी कि वो लोग कैसे मनाते हैं. और मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ ले जाऊँ, गिफ्ट वगैरह. सो या गाइस बने रहिए. तो मैंने यहाँ से लिया है ये गिफ्ट और अब मैं इसे पैकिंग करने जा रही हूँ. कितना सुंदर है ये, मेरे को पैकिंग कर दो. तो फाइनली पहुंच गया. ये कुत्ता का पाँव टूट गया ना. ला क्या हो गया तो पाँव को. ये लीजिए एक मुबारक. मैं भी तेरा था. सब मजे चला गया. वो यार मुझे काम है यार. नहीं नहीं मतलब तुझे कुछ काम है. ये माँ है, ये बेटा है. बेटा लूम क्या हो गया इसका पाँव में. बेटा का पाँव में खुला हुआ है, फ्रैक्चर हो गया होगा. सो अभी दीदी घर पे अकेला है, बोला है कि सब मेंबर मस्जिद चला गया बोले, इसलिए अभी हम लोग तीनों सिर्फ हैं यहाँ पे. और हमको 9 AM को बुलाया था लेकिन अभी हम पहुँचा है 11 AM को. बहुत ही लेट हो गया आने में, क्योंकि घर में काम कर रहा था. वाह ये क्या है, ये सेवई ना, पापड़. ये भी पापड़ ना. वाह टेस्टी. फर्स्ट टाइम आया ईद में हम. कभी भी नहीं गए. बोलते रहता है ईद तो माना था, बुलाता ही नहीं हमको. इसलिए तो अचानक हम लोगों को तो पता ही नहीं होता कब होते हैं ईद. अरे बाबा कैसे लग रहा है. सुबह का बनाया होगा. मेहनत कर और नहीं मानो ना. पुलाव बोला था ना ये. और ये दाल का ओ टेस्टी खुशबू आ रही है. पुलाव. हाँ पुलाव खाता है तुम वहाँ रिजॉर्ट में ऑर्डर करके खाते है. सो ये बीफ का मीट भी खाने वाला है, इसके लिए स्पेशल है. हम नहीं खाते इसलिए हमें अच्छा आएगा. कोई बात नहीं है, ये पूरा खा लेगा. पूरा खा के टेस्ट करो तो बता दो कौन सा वाला. ये लो टेस्ट ना यहाँ करो. फ्राई अच्छा है. ओ बाजी. ओ बाजी थैंक यू. खाना इसको टेस्टी है. तो हम भी अभी ट्राई करेगा मेरा बाजी और पुलाव. वाह ना टेस्टी बनाई है तो आप. पुलाव उसका डिजाइन लग रहा है. रिजोर्ट में जो आप खाते हैं ना हम लोग वो बहुत सेम बनाए है, बहुत टेस्टी है. आप लोग पहले से बनाते रहता होगा ना. वाह तो मज़ा देखिए, बहुत टेस्टी लग रहा है पुलाव. हम इतना खा लिया और ये भी इतना खाए. सब्जी से खा ले नहीं सक रहे ये. देखो यहाँ पे क्यों नहीं खा पा रहे बोलो. अरे सर्दी है, सर्दी यार. सर्दी साल का अपना मीठा पन खाने का. थैंक यू मीठा पान के लिए. आज के दिन मीठा पान भी खाना है बोले दीदी ने. ना खाना है, ईद मनाना है. ईद मनाना है ना. अभी इसके बाद खाएगा मीठा पान. तो हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कर लिया है और अभी जाएगा दीदी. जाएगा हम दोनों अच्छे से मनाओ हम लोग ईद. थैंक यू दावत के लिए. भैया आ जाएगा आपको ईद मुबारक आप दोनों को. ठीक है आप दोनों को भी ईद मुबारक. तो ये लेके जा रहे हैं अभी ना सलाम. तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे ईद के. अच्छा लग रहा है खाने, टेस्टी है. क्योंकि आइसक्रीम वाला आ गया था. ये आइसक्रीम वाला ठीक है जाएगा ना. चलो चलो.
और यहाँ पे आंटी ने हम दोनों को फट से बुला दिया था और वो कुछ गाय का रस्सी लेने के लिए बोल रहा था और फिर उसको आइसक्रीम खाने मन था बोला और आइसक्रीम अभी आ ही गया अभी समय। तो अभी हम दोनों घर जा रहे हैं फाइनली। अच्छा लगे आज ईद पे आके? कितना कैसा लगा दीदी का ट्रीटमेंट? बहुत बढ़िया था लेकिन सर्दी है, पता नहीं था। ओए ये सर्दी है फिर भी बहुत ही ज़रा अच्छा लगा है। सोलह गाइस वीडियो को वीडियो यहीं पे एंड करते हैं तो बाय बाय करो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।